एवरीवन, कार एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली अपने कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारे चेंजेस किए थे और इन चेंजेस पर हमने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। उन कार्ड्स में से एक कार्ड डाइनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड भी है। आज हम इस वीडियो में इस कार्ड को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा कार्ड है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एचडीएफसी डाइनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड और एचडीएफसी रिगालिया कार्ड की स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स बिल्कुल सेम है, तो इस कार्ड में जो रिसेंट चेंजेस की वजह से जो रिवॉर्ड रेट पे इम्पैक्ट हुआ है वैसे सिमिलर इंपैक्ट एचडीएफसी रिगालिया कार्ड पर भी हुआ है। तो जिन लोगों के पास रिगालिया कार्ड भी है वो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड है, तो चलिए देखते हैं कि इस कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स का एज 21 से 60 के बीच होना चाहिए और नेट मंथली इनकम रुपीज 70,000 एंड अबव होना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स का एज 21 से 65 के बीच होना चाहिए और एनुअल ITR रुपीज 8.4 लाख एंड अबव होना चाहिए। अब फी की बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है रुपीज 2,500 प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी रुपीज 3 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर वेव ऑफ हो जाता है। और वेलकम बेनिफिट्स में इस कार्ड पर आपको जोमैटो प्रो, अमेजोन प्राइम, टाइम्स प्राइम, MMT ब्लैक और BB स्टार के कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल मेंबरशिप्स मिलते हैं जिससे ज्वाइनिंग फी वेव ऑफ हो जाता है। अगर आपको ये कार्ड ज्वाइनिंग फी बिना पे किए मिलता है तो आप इन बेनिफिट्स को कार्ड लेने के 90 डेज के अंदर रुपीज 75,000 के स्पेंड्स करके भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि इस कार्ड पर बेनिफिट्स डाइनर्स क्लब ब्लैक कार्ड जैसे मिलते हैं। तो ये डाइनर्स क्लब ब्लैक कार्ड का एक काइंड ऑफ अ मिनी वर्जन है। माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप इस कार्ड पर एक महीने में रुपीज 40,000 स्पेंड करते हैं तो आप रुपीज 500 के वर्थ का कोई एक वाउचर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ओला कैब्स, कल्ट फिट लाइव, बुक माई शो या टाटा क्लिक। अब वेलकम और माइलस्टोन बेनिफिट्स के बाद चलिए देखते हैं कि आपको इस कार्ड पर और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। अगला बेनिफिट है वेलनेस और लाइफस्टाइल का, जिसमें आपको थोड़े वेलनेस बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि लीडिंग सैलॉन्स, स्पास और जिम्स एक्सेट्रा पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और ऑनगोइंग ऑफर्स को आप HDFC डाइनर्स क्लब ऑफर्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद है गोल्फ बेनिफिट्स, तो इस कार्ड पर आपको अच्छे गोल्फ बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें आपको एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स मिलते हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। अब चलिए देखते हैं कि HDFC डाइनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स कैसे हैं। लेकिन इस डिस्कशन से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि HDFC ने रिसेंटली अपने कुछ सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड रिलेटेड चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं और उनमें से एक है HDFC डाइनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस कार्ड पर आपको पहले कैसे स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स मिलते थे और अब कैसे स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर हम इस कार्ड के रेगुलर रिवॉर्ड रेट की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आपको हर रुपीज 150 के स्पेंड्स पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। पहले आपको ये बेनिफिट्स कैशबैक फॉर्म में मिलते थे जिन्हें अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में कर दिया गया है और अब आपको 3x, 5x और 10x पॉइंट्स मिलते हैं। इनकी कैटेगरीज देखी जाए तो ब्रॉडली 3 टाइप के चेंजेस आए हैं। पहली कैटेगरी है वो जिसमें आपको 5% कैशबैक मिलता था जो भी कन्वर्ट होकर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया गया है। इसमें वो होटल बुकिंग्स आते हैं जो मेक माई ट्रिप पे ना की गई हो। दूसरी कैटेगरी है उनकी जिसमें 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए हैं, ये है फ्लिपकार्ट जिसमें 1% कैशबैक कन्वर्ट होकर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया है और ट्रेन्स जिसमें 5% कैशबैक भी कन्वर्ट होकर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया है। अगला कैटेगरी है वो जिसमें कैशबैक परसेंटेज कन्वर्ट हुआ है सिमिलर रिवॉर्ड पॉइंट कैटेगरीज में। ये कैटेगरीज है अमेजोन, इंस्टेंट वाउचर्स, एप्पल ड्रेसर, फ्लाइट बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, जिन पे आपको पहले 5% कैशबैक मिलता था वो भी कन्वर्ट होकर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया गया है और मेक माई ट्रिप के थ्रू होटल बुकिंग्स पर आपको जो 10% कैशबैक मिलता था वो भी कन्वर्ट होकर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया गया है। एक और चेंज जो किया गया है वो किया गया है इस कार्ड के एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के कैपिंग में। तो पहले आप मंथली मैक्सिमम रुपीज 2,000 कैशबैक अर्न कर सकते थे स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो चेंज होकर अब 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया है। पर इसके अलावा इस कार्ड पर डेली पॉइंट्स कैपिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू इस कार्ड पर एक दिन में मैक्सिमम 2,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं।
अब हम पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करें तो आप इन पॉइंट्स को स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट कैटलॉग, एमआईएस और स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम कर सकते हैं, जिसमें एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 50 पैसे अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स करते हैं। तो प्रोडक्ट कैटलॉग पर अगर आप इन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है अप टू 35 पैसे का, और अगर आप इन पॉइंट्स को एमआईएस में कन्वर्ट करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 0.5 एमआईएल, और स्टेटमेंट क्रेडिट के केस में एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे। तो मैक्सिमम रिटर्न्स इस कार्ड पर आपको फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स पे मिलेगा, क्योंकि इन पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि ये नया रिवॉर्ड सिस्टम काफी अच्छे रिटर्न्स देगा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। चलिए ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस एग्जाम्पल में सपोजिंग एक पर्सन एक महीने में रुपीज 40,000 स्पेंड करते हैं, जिसमें वो रुपीज 15,000 नॉर्मल स्पेंड पे खर्च करते हैं और रुपीज 25,000 वो स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेंड करते हैं, जिसमें वो रुपीज 5,000 ईच वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ्लाइट्स और होटल्स पे स्पेंड करते हैं और रुपीज 2,500 ईच वो ट्रेन और बसेस पे स्पेंड करते हैं। हम देखेंगे कि इन चेंजेस के बाद उसके रिवॉर्ड रेट में कितना चेंजेस आया है, इन कैटेगरीज पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और जो पहले कैशबैक मिलता था उसका टेबल स्क्रीन पर आ गया होगा। तो पुराने रिवॉर्ड सिस्टम में इस पर्सन को रुपीज 1,050 का कैशबैक मिलता, जबकि इस पर्सन को इन रिवॉर्ड पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा रुपीज 1,800 का। प्लस दोनों ही केसेस में जो वो रुपीज 15,000 के नॉर्मल स्पेंड्स करते हैं उन पर उन्हें मैक्सिमम रुपीज 200 का रिटर्न मिलता ऑन फ्लाइट्स एंड होटल्स, या वो रुपीज 80 का स्टेटमेंट क्रेडिट ले सकते थे। तो इस पर्सन का रिटर्न पुराने सिस्टम में जिसमें वो स्टेटमेंट क्रेडिट लेते हैं वो होगा 2.82% का, और नए रिवॉर्ड सिस्टम में इनका मैक्सिमम रिटर्न होगा 5% का। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि ये जो 5% का रिटर्न मिलेगा, इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि ये पर्सन इन पॉइंट्स को फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स में यूज करते हैं। लेकिन अगर इस पर्सन को स्टेटमेंट क्रेडिट चाहिए जैसे उसे पहले कैशबैक के फॉर्म में मिलता था, तो इन पॉइंट्स का वैल्यू होगा रुपीज 720 का और टोटल रिटर्न होगा रुपीज 800 का, जिसका मतलब इस पर्सन का रिवॉर्ड रेट इन टर्म्स ऑफ कैशबैक होगा 2% का। तो एक्चुअल में इस पर्सन का तो नुकसान हो गया है, और ये जो हमने 5% और 2% का रिटर्न रेट कैलकुलेट किया है ये भी ऑन द हायर साइड है, क्योंकि अब पॉइंट्स पे डेली कैपिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो एक्चुअल में आप 1.8 से 4% के रेंज में रिटर्न रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप पॉइंट्स को कैसे रिडीम करते हैं। एज अ फाइनल वर्ड हम ये बोलेंगे कि जब HDFC ने अपने रिवॉर्ड सिस्टम में चेंजेस लाए थे तब ऑलमोस्ट सबको लगा था कि HDFC डायनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड और HDFC रिगालिया कार्ड को डीवैल्यू नहीं रादर इम्प्रूव किया है, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ बिटर स्वीट। होटल बुकिंग्स और फ्लिपकार्ट के स्पेंड्स पर डेफिनेट इंप्रूवमेंट आया है अगर आप इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में भी रिडीम करते हैं तो भी, लेकिन बाकी सारे स्पेंड्स जो आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं उसमें आपको आगे से कम बेनिफिट मिलेगा अगर आप स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम करते हैं तो। अगर आप अपने पॉइंट्स को फ्लाइट्स और होटल्स पर रिडीम करते हैं तो आप डेफिनेटली अराउंड 4% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में इस कार्ड पर अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप अपने पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम करते हैं तो आपका रिटर्न पुराने रिवॉर्ड सिस्टम से काफी कम हो गया है और आप अराउंड 1.8% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले हम इस कार्ड को और रिगालिया कार्ड को ऑलमोस्ट सभी कार्ड होल्डर्स को रेकमेंड कर सकते थे, लेकिन अब हम इस कार्ड को सिर्फ ट्रैवलर्स को ही रेकमेंड करेंगे। सभी फीचर्स और रिटर्न्स को कंसिडर करते हुए हमारी रेटिंग ऑफ दिस कार्ड वुड बी 3/5, और यहाँ खत्म होता है हमारा रिव्यू ऑफ दिस कार्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल लग सकती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड फॉर लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, क्रेडिट कार्ड कंपेरिजन, रिव्यूज एंड मच मोर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम।